हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अर्पिता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टैगलाइन देख के आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि मैं यहाँ पे विदाउट मेकअप क्यों हूँ, बिकॉज आज हम करने वाले हैं एक डेडिकेटेड बेस्ड मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे अपने इम्परफेक्शंस, जस्ट लाइक अपने एक्ने मार्क्स, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, इन सारी चीज़ों को हाइड करती हूँ यूजिंग माई मेकअप। बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं करना होता है, यू जस्ट नीड टू फॉलो 4 to 5 steps। एंड जो कि इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इजी है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देती हूँ कि एक्चुअली मेरे फेस में कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा पिगमेंटेशन है माउथ एरिया में, यहाँ पे है एक्ने मार्क्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड यहाँ पे तो टू मच होके रखा है। जो भी ब्लैक स्पॉट्स, यू नो, पिंपल्स हुए थे प्रीवियसली 1-2 महीने पहले, वो सारे के सारे दाग छोड़ के गए हैं एंड ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। बट यस, आई हैव सम स्पॉट्स ओवर हियर एंड यू कैन सी मेरे कितना ज़्यादा डार्क सर्कल होके रखे हैं, बिकॉज हमेशा मैं लेट में सोती हूँ एंड ये मेरे साथी बन गए हैं एंड मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हैं। सो इन सारे प्रॉब्लमेटिक एरिया को हम आज क्लियर करेंगे यूजिंग आर मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज कम्प्लीटली फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी स्टेप स्टार्ट करने से पहले आपको अपना स्किन केयर रूटीन खत्म कर लेना है, जस्ट लाइक योर फेशियल, स्क्रबिंग, सेरम, एवरीथिंग जो आपको चाहिए अपने हिसाब से खत्म कर लेना स्किन केयर रूटीन। देन मैं स्टार्ट करूंगी मॉइस्चराइजर से। मॉइस्चराइजर भी आप अपने हिसाब से यूज करो जो कि आपके स्किन टाइप का हो, आपको सूट करे। आई बी यूजिंग दिस न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर जो कि काफ़ी अच्छा है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। बताना चाहूँगी ये कोई कोलैबोरेशन या फिर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, मैं एक्चुअली मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसमें विटामिन ई है एंड मेरी स्किन को बहुत ही स्मूथ बनाता है, ऐसा मुझे फील होता है। सो या मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर जो है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम अगर आपके पोर्स का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे होल होल आप देख सकते हो मिरर में देखना, सो उस तरीके के रिलेटेड प्रॉब्लम को, पोर्स को अच्छी तरीके से यू नो रिड्यूस कर देता है, क्लोज कर देता है। सो बहुत ही अच्छी तरीके से मेकअप स्टे करता है एंड आपके जो ब्रेकआउट होने का चांसेस भी नहीं रहता है, तो ऐसा बोल सकते हो ये प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। सो मैं अच्छी तरीके से अपने प्राइमर को अप्लाई कर रही हूँ मेरे टी जोन पे, बिकॉज यहाँ पे ही ज़्यादातर मेरे पोर्स होते हैं। सो या दैट्स दैट। वी विल यूज आर कलर करेक्टर। मैं एले गर्ल का कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ। तो बताना चाहूंगी आप अपने हिसाब से कोई भी कलर करेक्टर या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपके एक्ने मार्क कैसे हाइड करोगे एंड आपका जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको किस तरीके से हाइड करोगे, यू नीड टू यूज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। वही हेल्प करेंगे, यू नो, फुल कवरेज वाला प्रोडक्ट अगर होता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, तो वो अच्छी तरीके से अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को हाइड करता है। सो अगर आप सस्ते वाली चीज़ लेते हो तो बहुत जल्दी मेल्ट डाउन कर जाता है एंड एट द सेम टाइम कोई भी फायदा नहीं रहता है। आप जितना भी थोप लो आपका जो यू नो पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स है, वो दिखाई देने का देता ही है। सो मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में मतलब जितना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा ले लो, बहुत सारा लेने का कोई फायदा नहीं बनता है, ठीक है। अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए आई विल यूज दिस कलर करेक्टर, ऑरेंज कलर करेक्टर वो भी। सो मैं यहाँ पे ब्रश, लाइक मैंने यहाँ पे ब्रश ला के रखी है, सो आई विल यूज दिस ब्रश, ठीक है, एक स्टिपिंग ब्रश है, तो इसको लेके मैं इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगी, एकदम हनुमान जी बन जाऊंगी। सो यू नीड टू ब्लेंड लाइक दिस ताकि अच्छे तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो सिट डाउन कर जाए अपने स्किन के ऊपर, ठीक है। देन आई विल यूज माय ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्यूटी ब्लेंडर को लेके अगेन मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। ये बिल्कुल मत सोचना कि ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से आपका जो प्रॉब्लम है वो छुप जाएगा, नो, नथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो एंड किस तरीके से उनको ब्लेंड कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट छोटे छोटे ट्रिक्स, ठीक है, जस्ट लाइक दिस।
फाउंडेशन यूज करने के टाइम मैं आपको और एक जो है टिप्स देना चाहूंगी, जो भी फाउंडेशन जो भी कंसीलर आप यूज कर रहे हो अपने शेड के हिसाब से ही यूज करो। अगर आप ज्यादा लाइटर शेड यूज कर रहे हो ये सोच के कि वो आपके प्रॉब्लमेटिक एरिया को छुपा देगा, देन नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज जब आप यू नो ब्राइटर शेड का फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज करते हो, वो 5 to 10 minutes के बाद या फिर आधे घंटे के बाद आपके स्किन में ऐशी बन जाता है एंड वो बहुत ही गंदा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि वो आपकी स्किन है ही नहीं। सो डोंट डू दैट, कभी भी अपने स्किन से लाइटर शेड मत लो, ठीक है। हमेशा ट्राई करो कि अपने स्किन के हिसाब से ही फाउंडेशन चूज करो। अगर ऑक्सीडाइज होता है फाउंडेशन तो आप उस हिसाब से एक शेड ब्राइटर ले सकते हो, लेकिन अगर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जैसे कि निक्स का फाउंडेशन, ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सो मैं अपने शेड यूज करती हूँ, दिस इज कैरेमल, ठीक है, मेरी परफेक्ट शेड है ये। तो इसको लेके मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, जितना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस लगा लो, एक्सेस लगाने से भी कुछ नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई करते हो देन वो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद मेल्ट होने लगता है, ब्रेक होने लगता है एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो और भी उभर के दिखते हैं। सो देन आई विल यूज़ अ कंसीलर, क्योंकि मेरी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है एंड दिखाई देता है, दैट्स वाई आई विल यूज़ अ कंसीलर। अगर आपका डार्क सर्कल प्रॉब्लम नहीं है देन जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपके पिंपल्स का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे लगा लो, क्योंकि कंसीलर जो होता है ना बहुत ही थिक होता है एंड वो बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड करता है आपके प्रॉब्लम एरिया को। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हिसाब से एक कोई भी फुल कवरेज कंसीलर यूज़ कर लो। ये फुल कवरेज तो कंसीलर नहीं है, मीडियम कवरेज का है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो टू सेट माई फेस आई विल यूज दिस पफी ब्रश बाय रियल टेक्निक्स एंड एट द सेम टाइम आई विल यूज दिस पाउडर बाय मेकअप रेवोल्यूशन। मुझे ये पाउडर बहुत पसंद है, इट्स अ बनाना पाउडर एंड मैं इसको यू नो 1-1.5 साल पहले ही खरीदी थी, लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मैं इतना यू नो क्योंकि कहीं पे जाना नहीं होता है तो मुझे इतना प्रोफेशनल मेकअप नहीं करना होता है। सो इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे, जब पार्टी वार्टी करना होता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट डे पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। इन सारी चीजों को आपको सेट कर लेना है यूजिंग अ सेटिंग स्प्रे। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग करे तो सेट कर लेते हैं इस तरीके से ब्लेंडर पे, ठीक है। तो आईब्राउज हमने पहले से ही कर लिया है, सो आई विल यूज दिस पैलेट बाय सुगर कॉस्मेटिक्स। इसमें से मैं ब्लश यूज करूंगी एंड तीनों को यूज करूंगी एक्चुअली। सो पहले तो
सो या यू गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक. आई होप कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा एंड आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लुक काफ़ी पसंद आ रहा है. मतलब बहुत दिनों के बाद मैं इस तरीके की कंप्लीट लुक क्रिएट कर रही हूँ. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, लाइक वार्म काइंड ऑफ लुक. एंड सो येस, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अगर ये लुक आप लोगों को पसंद आया हो, अगर इन फ्यूचर आप लोग मुझे देखना चाहते हो, मेरे वीडियोज़ को देखना चाहते हो, देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री. एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट माई एनी अपडेट्स. बहुत सारे लोग बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि आप अपलोड नहीं कर रहे हो क्या वीडियो, आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है. तो अगर आप लोगों ने वो नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा. प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट माई एनी अपडेट्स. जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो दैट्स दैट. एंड या दिस इज माई फाइनल लुक. बहुत ही ग्लो कर रहा है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है एंड आई लव इट. सो यस, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. कमेंट करना भूल जाते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, डोंट डू दैट. थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लो ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे. सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट. उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पेजेस लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, देन जस्ट गो एंड फॉलो मी देयर. वहां पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहती हूँ. सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट. टिल देन बाय.